अतुल आप अपडेट बताएं, आपकी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, उनकी तरफ से क्या इनपुट? देखिए अभी जितने भी तमाम आला पुलिस अधिकारी हैं सब मौके पर पहुंच रहे हैं, लोकल पुलिस वहां पर है और जितने भी आसपास के थानों की फोर्स है उसको जांगीपुरी इलाके में बुलाया गया है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दिल्ली का और पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो वहां पर बुलाई गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स को कॉल किया गया है, वो वहां पर तैनात रहेगी। और इसके अलावा जिस तरीके से, क्योंकि पहले से ही जिस तरीके से हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकलनी थी, पुलिस को पहले ही इस तरीके के इनपुट थे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए जहां भी शोभा यात्रा निकल रही है, खासतौर से ऐसा इलाका जहां पर काफी कंजस्टेड इलाके हैं, जहां पे दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर पुलिस को इस तरीके के इनपुट थे कि कुछ लोग इसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और ऐसा जहांगीरपुरी इलाके में देखने को भी मिला। तो अभी फिलहाल जो पुलिस की पहली प्रायोरिटी, जितने भी पुलिस अधिकारी से हमारी बात हो रही है उनका कहना है कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरीके से मेंटेन किया जाए। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, दोनों समुदाय के लोगों को समझा रहे हैं। और मैं क्योंकि जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो उसमें अलग अलग टीम्स बनाई जाती है, एक टीम जो है वो धरपकड़ के लिए बनाई जाती है, एक टीम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, हर एक पुलिस अधिकारी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। तो जो धरपकड़ है वो की जाती है, जो लोग जिन्होंने गड़बड़ पड़े उनको गिरफ्तार की जाए। लॉ एंड ऑर्डर पहली प्रायोरिटी पुलिस की है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर बुलाई जाए, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर बुलाई जाए, लोकल पुलिस जो है वो भारी संख्या में हो और जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हो वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो ताकि किसी भी तरीके से आगे गड़बड़ ना हो सके। तो हर तरीके से पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो दंगाई है उनको पकड़ा जा सके, जो पत्थरबाज है उनको पकड़ा जा सके, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरीके का इशू ना हो। सवाल है आखिर पत्थर फेंकने वाले लोग कौन है अभी भी इस वक्त हमारे साथ हैं? अभी माहौल किसने बिगाड़ने की दिल्ली में ये कोशिश की और क्या ये सुनियोजित था? ये बड़े सवाल है जिनके जवाब जरूर पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी हालात इस वक्त बताइए, क्या आपको पता लग पा रहा है इलाके में स्थिति क्या है? देखिए कुछ सुरभि इलाके में स्थिति को हालांकि पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया गया है, दोनों ही समुदाय के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी जो अभी पुलिस से बात हुई है, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस के पीआरओ का काम देख रहे हैं डीसीपी अनेश राय, उनका भी यही कहना है कि सीनियर अधिकारियों की तरफ से खबर मिली है कि करीब 1.5 से 2 घंटे पहले ये बवाल हुआ है जहांगीरपुरी इलाके में जब शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी। तस्वीरों के बारे में भी जरूर जानना चाहूंगी, ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या सड़क पर लोग एकजुट हो गए हैं, क्या अभी भी यहाँ पर घेराव करने की कुछ इलाके की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ दोनों पक्ष अब हम देख रहे हैं आमने सामने है, क्योंकि एक तरफ पुलिस हमें नजर आ रही है तो दूसरी तरफ भी लोग नजर आ रहे हैं। आपसे इस बारे में बात करें उससे पहले ये सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। अभी हालात को काबू में करने की तो ये कोशिश थी, लेकिन हम ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि दोनों समुदाय के लोग अब आमने सामने हैं। देखिए बिल्कुल दोनों समुदाय के आमने सामने की जो वीडियोज आ रही है, जो खबर आ रही है, हालांकि पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल कंट्रोल में कर लिया गया है, किस तरह की सिचुएशन है थोड़ी देर में पहुंचकर हमें क्लियर होगा, लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया है। ये तस्वीरें कुछ वक्त पहले की है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस का ये कहना है कि करीब 1.5 घंटे पहले ये झगड़ा शुरू हुआ जिसके अंदर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई, दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने थे, कई पत्थर जो है लोगों को लगे हैं, दोनों ही तरफ लोगों को पत्थर लगे हैं, चोटिल हुए हैं, जो पुलिसकर्मी उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे उनको चोटें लगी हैं, जिन सबको अस्पताल में ले जाया गया है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पर कोशिश यही है कि जितने सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच सके और दोनों ही समुदाय के लोगों को समझा सके कि अब पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए, आपस में कोई झगड़ा ना करें, वहां पर पूरी तरीके से शांति रहे, पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरी प्रायोरिटी यही है कि जिनको अस्पताल में ले जाया गया है वहां पर उन्हें इलाज मिले, और जहां तक अगर हम बात करें जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिन लोगों ने इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश की है, अब सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी, कौन लोकल वहां पर लोग हैं, कौन बाहर लोग हैं, ये सारी चीजें अभी इनपुट निकाला जाएगा, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में भी जरूर पुलिस ने मौके पर लिया है ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी कोशिश ये है कि कंट्रोल में सिचुएशन को किया जाए, क्योंकि जहांगीरपुरी इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं, तो सिचुएशन
पूरी तरीके से कंट्रोल में कर ली जाए, बात आगे ना बढ़े, इसको लेकर पुलिस की ये कोशिश है कि सीनियर अधिकारी फिलहाल लोगों को वहां पर समझा सके मौके पर, यही कोशिश है। और दूसरी बात यही है कि सिचुएशन जब पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगी तब तमाम तरीके के इनपुट्स निकाले जाएंगे, लोकल जो लोकल पुलिस और लोकल पुलिस के अलावा तमाम और लोगों के जरिए इनपुट्स निकाले जाएंगे ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इतने पत्थर कहां से पहुंच गए इस इलाके में, क्योंकि पत्थर जिस तरीके से पथराव हुआ है उससे एक बात साफ है कि पहले से कोई ना कोई साजिश प्लानिंग इस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान हमला करने के लिए की गई होगी। लेकिन इस कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है, क्या पहले से कोई साजिश है या अचानक से कोई झगड़ा हुआ है, ये तमाम चीजें अभी इसमें समय लगेगा। पुलिस अलग अलग टीम इसके अंदर बनाएगी, एक टीम मौके पर लोगों को समझाएगी, दूसरी टीम आरोपियों को पकड़ेगी, तमाम अलग अलग जिलों की फोर्स यहां पर पहुंचेगी जिसके बाद सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन प्रायोरिटी यही है कि इलाके के अंदर दोबारा से किसी तरीके से लोगों को समझाकर शांति कायम की जा सके। जिस तरीके की तस्वीरें थी कि दोनों ही समुदाय आमने सामने थे, पत्थरबाजी हो रही थी, ये बिल्कुल सही बात है। और लेकिन अब कोशिश ये है कि दोनों ही समुदाय के लोगों को समझा दिया जाए कि अब किसी भी तरीके से पत्थरबाजी या इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो। सुरभि, इस तरह से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका बेहद सेंसिटिव इलाका, दोनों ही समुदाय के लोग यहां रहते हैं और आज दिल्ली अभी तक बची हुई थी लेकिन पत्थरबाजी की जो वारदात है, जो घटना है, वो आज जहांगीरपुरी इलाके में भी घट गई। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, नारेबाजी हो रही थी एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी नारेबाजी से जवाब हो रहा था और अब पुलिस ये पता करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि जैसा कि अभय पराशर बता रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अभी हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं लेकिन पूरी तरह से भी सिचुएशन कंट्रोल होने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। तमाम आला पुलिस अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो भी वहां पर बुलाई गई है, तमाम लोग जो हैं इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और जो स्थानीय लोग हैं, जो दोनों ही तरफ के लोग हैं, इसमें घायल हुए हैं बताए जा रहे हैं। और ये पत्थरबाजी की घटना अब दिल्ली, राजधानी दिल्ली में हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बवाल हुआ। शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर और ऐसे में वहां से पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब ऐसे में ये पत्थर कहां से आए, क्या पहले से इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और ये सोची समझी साजिश है, अब ये पुलिस पता लगाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिस का मेन फोकस है वो इस बात पर है कि सिचुएशन को कैसे पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाए। अतुल भाटिया हमारे साथ, अतुल भाटिया, लगभग डेढ़ घंटे पहले ये बवाल शुरू हुआ, अब लगभग 8 बज चुके हैं, इस वक्त ताजा सिचुएशन, ताजा अपडेट क्या आपके पास? देखिए, पुलिस फोर्स वहां पर काफी संख्या में पहुंच चुकी है, तैनाती पुलिस फोर्स की गई है, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको वहां पर बुलाया गया है, पूरे इलाके की पुलिस, पूरे जिले की पुलिस जो है वो वहां पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी जो है वो वहां पर जहांगीरपुरी इलाके में पहुंच रहे हैं। और पुलिस की पहली प्रायोरिटी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हंगामा शुरू हुआ हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान, उस समय जब हंगामा होता है तो पुलिस की काफी प्रेजेंस जो है वो वहां पर थी, लेकिन एकाएक से जो वहां पर पत्थरबाजी शुरू होती है पुलिस कुछ समझ सकती है, इतने में काफी जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाती है और कई पुलिसकर्मियों को इसके अंदर चोटें भी आई हैं, कई लोगों के इसके अंदर चोटें हैं जिसको बाबू जगजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी अगर वहां की स्थिति बताऊं तो दोनों समुदाय के लोगों को समझाया जा रहा है कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके का बवाल या किसी भी तरीके की पत्थरबाजी वो ना करें। तो दोनों समुदाय के लोगों को समझा रहा है, एक टीम जो है उनको समझाने में लगी है और दूसरा धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।